हेलो एंड वेलकम गाइस, आप थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि आज की वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल सही। आज की वीडियो में मैं आपके लिए पांच ऐसे मोमेंट लेकर आया हूँ जिसमें ऐश अपनी फीलिंग मिष्टी के लिए दिखाता है। मैं ऐसे ही एक और वीडियो सरीना के ऊपर भी बना चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखी है तो चैनल में अवेलेबल, आप जाकर देख सकते हो। और अगर आपको कोई और पॉकी गर्ल के लिए सेम वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं आपके लिए उस पर भी एक और वीडियो बना दूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपको और पोकेमोन्स के रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को करते हैं शुरू। नंबर 5 पर आता है, ही रिफ्यूज टू गिव चिबी मिस्टी टू डॉन। ये सीजन नंबर 10 का एपिसोड नंबर 34 है। मेरे हिसाब से तो ये एपिसोड काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, और यानी कि पोकेमोन को पकड़ने का ट्राई कर रहा होता है, क्योंकि हमारे सारे हीरोज उसको ही पकड़ने के लिए पीछे पड़े होते हैं। अगर आपको पता नहीं है चिबी मिष्टी क्या है तो मैं आपको बता दूं, चिबी मिष्टी एक चारा है पोकेमोन्स को पकड़ने के लिए। मिष्टी भी इसे कई बार इस्तेमाल कर चुकी है, और अक्सर वो उसकी मदद से ही पोकेमोन्स पकड़ा करती थी, और उसने एक चारा ऐश को भी गिफ्ट किया था, यानी कि चिबी मिष्टी ऐश को भी गिफ्ट किया था। जब ऐश उसके चारे की मदद से पोकेमोन्स पकड़ रहा था, तभी डॉन ऐश को पूछती है कि ये कौन है, यानी कि ये लड़की खड़ी हो आपके साथ वो कौन है। तभी ऐश और उसका फ्रेंड उसको बताते हैं कि हमारी एक ओल्ड फ्रेंड मिष्टी है। उसके बाद में डॉन ऐश को बोलती है कि मुझे ये यूज़ करने के लिए आप दे सकते हो। उसके बाद में ऐश साफ मना कर देता है और बोलता है कि मैं आपको नहीं दे सकता। उसके बाद डॉन और ऐश की काफ़ी झगड़ा भी होता है, और बाद में डॉन मान जाती है। ये एपिसोड हमें साफ साफ बताता है कि चिबी मिष्टी ऐश के लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो उसे मिष्टी ने दी है। और इससे साफ साफ ये भी पता चलता है कि मिष्टी और चिबी मिष्टी दोनों ही ऐश के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उससे ये भी पता चलता है कि ऐश मिष्टी को पसंद करता है। अब चलिए बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ। नंबर 4 पर आता है, ऐश एंड मिष्टी ब्लश्ड आफ्टर बीइंग अब्यूज्ड बाय टीम रॉकेट। ये एपिसोड आप सबने देखा ही होगा, ये सीजन नंबर 2 का एपिसोड नंबर 3 है। इस एपिसोड में ब्रोक को छोड़कर ऐश और मिष्टी अकेले जर्नी पर जा रहे होते हैं। जब ऐश और मिष्टी अकेले जर्नी पर जा रहे होते हैं, वहाँ पर टीम रॉकेट ऐश और मिष्टी को पकड़ लेती है और एक जेल जैसी जगह में बंद करके रख देती है। जब वो दोनों अंदर बंद होते हैं, वहाँ पर जेम और जैसी बाहर खड़े रहकर इन दोनों के काफ़ी ज़्यादा मज़े लेते हैं। जेम्स और जैसी ऐसा भी बोलते हैं कि तुम दोनों ने थर्ड पार्टनर को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि तुम दोनों साथ में टाइम स्पेंड करना चाहते थे, और बाद में ऐसा भी बोलते हैं कि तुम दोनों काफ़ी अच्छे क्यूट कपल लग रहे हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद हमारे ऐश और मिष्टी अचानक से ब्लश करने लग जाते हैं और काफ़ी शर्मा जाते हैं। और ये एपिसोड में भी हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं इन दोनों के अंदर एक दूसरे के लिए फीलिंग्स तो है। ये फीलिंग वो लोग जताना तो नहीं चाहते, लेकिन पता नहीं वो फ्रेंड्स वाली है या कुछ और। तो चलिए बढ़ते हैं नंबर 3 की तरफ। नंबर 3 पर आता है, फेयरवेल टू ब्रॉक एंड मिष्टी। ये सीज़न नंबर 5 का एपिसोड नंबर 63 है, और इस एपिसोड का नाम है गॉट अ ग्रेजुएटर। इस एपिसोड में ऐश, ब्रॉक और मिष्टी वेरिडियन सिटी में वैकेशंस बनाने के लिए आए होते हैं, और वहीं पे मिष्टी को अचानक से एक अर्जेंट कॉल आता है। वो कॉल उसकी बहनों की तरफ से होता है जो उनको मिष्टी को बुला रहे होते हैं उसकी पुरानी सिटी में वापस। वो लोग मिष्टी को इसलिए बुला रहे होते हैं क्योंकि वो लोग वर्ल्ड टूर पर जाना चाहते थे, और वो लोग ये भी चाहते थे कि मिष्टी सर्वेलियन सिटी की जिम लीडर बन जाए। उसके बाद ये डिसाइड हो जाता है कि मिष्टी उसके घर जाने वाली थी, और अचानक से ब्रॉक भी बोलता है कि बहुत टाइम हो चुका है मैं अपने घर नहीं गया, तो मुझे भी अपने घर जाना चाहिए। और फिर ऐश अकेला वहाँ पर क्या करता है, तो ऐश भी अपने घर जाने का डिसाइड करते हैं, और तीनों साथ में घर जाना डिसाइड करते हैं। तो हमारा ये एपिसोड काफ़ी इमोशनल हो जाता है, क्योंकि तीनों के फेशियल एक्सप्रेशन देखकर हम काफ़ी इमोशन में डूब जाते हैं। अगर आपने ये एपिसोड देखा होगा तो आप खुद भी इमोशन में डूब गए होंगे। इस एपिसोड में ऐश अपनी फीलिंग ब्रॉक के लिए नो डाउट दिखाता है, लेकिन मिष्टी के लिए तो कुछ ज़्यादा ही दिखाता है, और ब्रॉक के लिए एज अ फ्रेंड ही दिखा सकता है, लेकिन मिष्टी के लिए पता नहीं कुछ और भी दिखा सकता है। हालांकि एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है, लेकिन ऐश की फीलिंग इस एपिसोड में भी मिष्टी के लिए बाहर आ ही जाती है। अब चलते हैं हम नंबर 2 की तरफ। नंबर 2 पर है, ऐश गेटिंग जेलस। ये सीज़न नंबर 2 का एपिसोड नंबर 47 है, और इस एपिसोड का नाम है मिष्टी मीट्स हर मैच। ये एपिसोड आप सबने देखा ही होगा, अगर ये एपिसोड आपने नहीं देखा तो आपने क्या ही देखा है गाइस। जहाँ पर भी पॉकी शिपिंग की बात आती है वहाँ पर ये एपिसोड फर्स्ट नंबर पर रहता है। इस एपिसोड में ये सब लोग जाते हैं ट्रोविडा आइलैंड पर जिम बैटल करने के लिए, और इस आइलैंड का जिम लीडर होता है रूडी। रूडी की जो बहन होती है वो नदी में गिर जाती है। उसके बाद ऐश, मिष्टी और काफ़ी सारे हीरोज़ मिलकर उसको बचा लेते हैं। उसके बाद वहाँ का जिम लीडर रूडी उसकी बहन के बचने के बाद मिष्टी से काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो जाता है, और वो दोनों साथ में डांस करने लगते हैं, और साथ ही साथ रूडी मिष्टी को फ्लावर भी देता है। और ये सब देखने के बाद हमारा ऐश काफ़ी ज़्यादा जेलस हो जाता है, और वो बहुत बुरा फील करता है कि ये मेरी बंदी के साथ क्या हो रहा है।
और हमारा ऐश अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाता वहाँ पर। उसके बाद का पॉकी शिपिंग मोमेंट आप सब ने देखा ही होगा, जहाँ पर रूडी मिष्टी को प्रपोज कर देता है और मिष्टी रिप्लाई में कुछ आंसर नहीं देती और बोलती है कि बैटल होने के बाद मैं आपको जवाब दूंगी, और ऐश हमारा पूरी बैटल में मिष्टी को ही सपोर्ट करता है। और इस एपिसोड में भी ऐश की जेलसी उसकी फीलिंग्स दिखाई देती है और वो उधर एक्सप्रेस ही नहीं कर पाता, और वहाँ पर ऐश अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर देता अगर, तो ये अब तक की सबसे बड़ी पॉकी शिपिंग मोमेंट हो जाती। लेकिन इस एपिसोड में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, तो चलिए बढ़ते हैं नंबर वन की तरफ। तो नंबर वन पर आता है ऐश रिएक्शन टू सी मिष्टी इन किमोनो। ये सीज़न नंबर वन का एपिसोड नंबर 20 है और इस एपिसोड का नाम था द गोस्ट ऑफ मेडन पार्क। ये एपिसोड भी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग था और इस एपिसोड में आपको ब्रॉक का फ्लर्टी नेचर देखने को मिलेगा। इस एपिसोड के एंड में मिष्टी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग किमोनो पहनती है और इस किमोनो को देखने के बाद हमारा ऐश काफ़ी ज़्यादा स्पीचलेस हो जाता है और सरप्राइज हो जाता है। और अब तक का एक ही एपिसोड ऐसा है जिसमें हार्ट बबल्स को दिखाया गया है और वो एपिसोड यही है। और इस बबल का इस्तेमाल किसी भी एनिमे में तभी होता है जब काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक सीन होता है, मतलब कि यहाँ पर तो ऐश और मिष्टी दोनों की फीलिंग्स क्लियरली दिख रही है और ऐश की भी फीलिंग ये बता रही है कि हाँ वो मिष्टी को काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहा है। उसके बाद मज़ा तो तब आता है जब मिष्टी ऐश को बोलती है कि क्या तुम मेरे साथ डांस करोगे, और ऐश मिष्टी की इस बात पर मंसूर हो जाता है और दोनों साथ में डांस करते हैं। ये भी एक एपिसोड है जहाँ पर ऐश की फीलिंग क्लियरली नज़र आ रही है, और ये मिष्टी सिर्फ ऐश को ही नहीं बाकी सारे एपिसोड जो भी देख रहा था सबको पसंद आ रही थी, तो ऐश को पसंद आनी ही थी, और वहाँ पर भी ऐश अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाया और उसको बता नहीं पाया। अगर गाइस आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसी ही पॉकीमोन्स के रिलेटेड वीडियो आती रहेगी। ऐसी एक वीडियो मैं सरीना के ऊपर भी बना चुका हूँ, आप चैनल में जाकर देख सकते हो। और अगर आपको कोई और पॉकी गर्ल के ऊपर सेम वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।